आज जो मॉलपस के साथ बना रहे हैं दैट इज चीकू शेक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अगेन सेम क्वेश्चन, आप लोगों में से किसने बनाया चीकू शेक? किसी ने बनाया? नहीं बनाया, ऑलमोस्ट। आपने बनाया? बनाया आपने? बनाया आपने फसल? मेरी बेगम बनाती है। पता है मुझे। आप मामा बनाती हैं? मामा, आपकी मामा बनाती हैं आपकी? बिल्कुल बनाया। आप मामा बनाती हैं? आप बनाती हैं? खुद बनाया। खुद बनाया, ओके जी। तो इन्होंने खुद बनाया है, बाकी तमाम लोगों में किसी ने बनाया। मैं सबसे पहले इसके अंदर बर्फ डाल रहा हूँ, एंड बर्फ डालने के बाद आई एम गोना पुट सम चीकू इन इट। इसको हमने तकरीबन एक दो चीकू लिए थे वो डाले, अंदाजे से मैं डाल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदाजे से मैंने डाल दिए। चीनी डाली है और इसके बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रीम ऑलपस की, दैट आई एम गोना ऐड। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर ऑलपस का मिल्क, और ये चीकू शेक जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ऑलपस का मिल्क हमने ऐड किया। अगेन आप ये याद रखिएगा कि ये दुनिया का बेहतरीन दूध है, इसलिए क्योंकि ये आप तक पहुंचता है, 28 किस्म के डिफरेंट ट्रीटमेंट से होके गुजरता है ये। और सबसे बड़ी बात ये जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ख़त्म हो जाता है तो बताता हूँ। नाइस, बन रहा बन रहा। All right, start counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We're done. अच्छा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिन काउज और मिल्क से बनता है या जिनका निकाला जाता है, जब वो आप तक पहुंचता है तो वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उनका बहुत, उनकी ग़िज़ा का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। आप इसका थिक क्रीमी टेक्सचर देख सकते हैं, और ये आप घर में बहुत आसानी के साथ अपने अफ्तार में बना सकते हैं। न्यूट्रिशियस होता है, बहुत डिलिशियस होता है, टेस्टी होता है, एंड इट रियली इज़ अमेजिंग। सो थैंक यू ऑलपस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।